ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का आखिरी दिन आने वाला है और इस सावन के जाते जाते पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको भी अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे दुखों को महादेव के ऊपर छोड़ देना है। महादेव से अपनी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्या को ठीक करने के लिए, व्यापार को ठीक करने के लिए, रोगों को दूर के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। और इस सावन के आखिरी दिन आपको सिर्फ कुछ बेलपत्र से शिवलिंग में एक ऐसा ही उपाय करना है जो महादेव की अनंत कृपा आपको प्राप्त करेगा और सावन की समाप्ति पर आपके भी जीवन के सारे कष्टों की समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस पूर्णिमा की तिथि में, यानी सावन के आखिरी दिन, जरूर करने चाहिए। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से किसको भस्म किया था, इंद्रदेव को या फिर कामदेव को। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन करना है जिनकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा में आपको बेलपत्र से ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, महादेव आपकी हर मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है 5 बेलपत्र। देखिए, आप अभी जानते हैं कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्रियां समर्पित रहती हैं। तो आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो टूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर आखिर में आपको ले लेना है एक कमलगट्टा। देखिए, कमलगट्टा आपको किसी भी पूजन पाठ वाली सामग्री की जो दुकानें होती हैं, उनमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, या बहुत से जनरल स्टोर होते हैं जो कमलगट्टा रखते हैं, तो ये आपको अपने आसपास की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन की इस पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय किसी भी समय कर लेना है। सुबह से लेकर रात तक जब भी आपके पास हो तब आप इस उपाय को कर लीजिए। सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप एक काम करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं उस कमल गट्टे को इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और वहीं शिवलिंग के सामने ही आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः शिव मंत्र का कर लीजिए। फिर इसके बाद आपने जो 5 बेल पत्रियां ली है, उन बेल पत्रियों में से एक एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और एक एक बार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा बेलपत्र आपको समर्पित करके सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में समर्पित रहेगा। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर है, फिर उसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो आपको महादेव से बोल देना है, और साथ ही साथ महादेव के बहुत ही सुंदर से नाम चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का आप स्मरण करेंगे? चंद्रेश्वर महादेव का आप कम से कम 5 बार चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस
उस जल को इन्हीं बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइएगा और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा तथा फिर से चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप सावन के आखिरी दिन यानी सावन की इस पूर्णिमा में ये विशेष उपाय करते हैं तो आपकी वो बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जीवन में धन को लेकर बहुत कमी चल रही है। धन की वजह से वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है और एक सफेद फूल लेना है। सफेद फूल आप जो भी लेंगे वो केतकी का नहीं होना चाहिए क्योंकि केतकी का पुष्प महादेव में समर्पित नहीं किया जाता है। केतकी के अलावा आप चाहे तो आंकड़े का पुष्प ले लीजिए या फिर अन्य सफेद फूलों में से किसी भी एक सफेद फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद फूलों को उठाकर उनमें से कोई भी एक सफेद फूल ले लीजिए और उसे जल से शुद्ध कर लीजिए, फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उस सफेद रंग के फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और आपके जीवन में धन धान्य की जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस सावन की पूर्णिमा में हम ये विशेष उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और हमारे जीवन में भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, सुख समृद्धि मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति करनी है। इन सभी के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका बना लीजिए और इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती लगानी है, साथ ही साथ इसमें आपको घी का प्रयोग करना है और फिर इसी के साथ आपको एक हरी इलायची और ये दीपक लेकर पहुंच जाना है अपने घर पर माता तुलसी के पौधे के सामने। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद ही आपको ये उपाय करना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को माता तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक जो बत्ती है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और फिर 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः तथा 11 बार श्री गणेशाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 11 बार स्मरण करने के बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर गए हैं उस हरी इलायची को इसी दीपक के अंदर डाल दीजिए। देखिए, दीपक आपको इस प्रकार से करना है कि दीपक की लव की वजह से तुलसी के पौधे की कोई पत्ती झुलसे ना, तो आपको बहुत ही सावधानी से इस दीपक को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से अगर हम अपने घर पर ही ये दीपक करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीन बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।